न्यूज इंडिया में मैं स्वाति और आई नजर डालते आज के प्रमुख समाचार पर। सोलर प्लांट से अवैध कारखाना चलाने का हुआ पर्दाफाश। जी हां, जनपद औरैया के तहसील मुख्यालय विधुना के अंतर्गत ग्राम कुदरकोट में सोलर प्लांट के अवैध कारखाना चलाने का पर्दाफाश हुआ। कुदरकोट में पूर्व सरकार के मुखिया अखिलेश यादव के सौजन्य से ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक सोलर प्लांट की व्यवस्था की गई थी, जिससे ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से मिल सके। परंतु आज हमारे संवाददाता संजीव नारायण ने जब इस विषय में सोलर प्लांट पर जाकर ग्रामीणों से बात की तो पता चला कि सोलर प्लांट की बिजली से किसी भी ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा है, अपितु प्लांट के कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से कारखाने का सुचारू रूप से संचालन कराया जा रहा है। और ऐसे हमारे संवाददाता संजीव नारायण की रिपोर्ट। संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरकोट। आप देख सकते हैं मैं मेन गेट पर खड़ा हूँ, यहाँ पर लिखा है प्रतिबंधित क्षेत्र। ये सौर ऊर्जा का सोलर प्लांट है, ये देखिए बोर्ड, यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं है। ये देखिए आप, मैं प्लांट पर खड़ा हूँ। मैंने अभी फ़ोन भी किया था तो वहाँ से सूचना आई कि मैं लखनऊ गया हूँ, अभी नहीं मिल सकता हूँ, कोई बच्चा भेजूँगा। यहाँ कोई भी नहीं है। और कुदरकोट में मेन समस्या है कि सोलर की सप्लाई बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, कहीं भी सप्लाई नहीं। यहाँ हमारे तमाम ग्रामीण खड़े हुए हैं। आइए हम आपकी बात करवाते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है अहमद खान। अहमद खान कुदरकोट निवासी हैं? कुदरकोट निवासी। आपका वार्ड नंबर कितना है? 16। 16 नंबर वार्ड है। आपके वार्ड में सौर ऊर्जा की लाइट आती है? जिस दिन से लगी है 4-6 दिन आई, उसके बाद आज तक लाइटें नहीं आई। आज तक आई नहीं? ये लाइट कहाँ चली जाती है? पता नहीं है, 4-6 घर में नीचे जलती है बस, और कहीं नहीं आती है। और कहीं नहीं, पूरे कुदरकोट की सप्लाई बंद है। कहें आपका नाम क्या है? यतेंद्र कुमार। यतेंद्र कुमार, आपका वार्ड नंबर कितना है? 3। वार्ड नंबर 3। आपके यहाँ सौर ऊर्जा की लाइट है? नहीं, हमारे यहाँ 3-4 दिन चली थी, उसके बाद जो है लाइट आई नहीं। उसके बाद लाइट आई नहीं, आज तक नहीं आई? आज तक नहीं, सौर ऊर्जा नहीं चल रही। और पानी की टंकी जो थी, पानी की भी सप्लाई हमारे यहाँ कभी नहीं आई। वो न्यूज में कल दे चुका हूँ, सारे ग्रामवासियों के लिए दे चुका हूँ, पानी की भी समस्या है। दरवाजे से होकर जो नाली निकलती है वहाँ पर गंदगी अपार पड़ी रहती है, कभी भी उसकी सफाई नहीं हुई है। जब कभी होती है तो थोड़ी बहुत पन्नी दर्द कर दी जाती है, वहाँ की नाली भी नहीं सही कराई गई, ना ही वहाँ की पुलिया का निर्माण कराया गया। मैंने प्रधान जी से एक बार कहा था, यहाँ पर एक पुलिया का निर्माण करा दिए, यहाँ पर पटिया दरवा दीजिए, और अगर पटिया नहीं दरवा। आप गंदगी बता रहे हैं, गंदगी के लिए प्रधान जी को बोला आपने? हाँ, प्रधान जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा था हम पटिया दरवा देंगे, अभी तक पटिया नहीं दरी गई। प्रधान जी का लास्ट समय आ गया है, अभी भी मतलब जो है कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। और भी ग्रामीण है, हम देखो आपकी बात कराते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सीपू है। आपका नाम सीपू है। आपका वार्ड नंबर कितना है? 2। आपके यहाँ, आप हमसे कह रहे थे आपके यहाँ जो सौर ऊर्जा का पोल लगा है उसमें करंट आता है? उसमें जो सौर ऊर्जा का ना खम्भा गड़ा है उसमें उसका तार लगा हुआ है, तो उसमें करंट आता है। अमित को बुला, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जब आपने कहा तो उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? वो बस ठीक करा देंगे, आज का नाम 10-15 दिन हो गए, ठीक ही नहीं करा रहे हैं। अभी तक ठीक नहीं हुआ है कभी भी, यानी कि सौर ऊर्जा का जो पोल लगा हुआ है उसमें करंट आता है, उसका तार ऊपर रखा है, जब लाइन मैनों से बात की जाती है तो वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। बिजली का तार टच होता है? बिजली का तार है, सौर ऊर्जा का है? बिजली का तार। बताइए, मैंने भी देखा वहाँ स्पार्किंग होती है, कभी भी कोई चिपक सकता है, और बहुत ही गंभीर निर्णय वहाँ पर निकलेगा और कोई सुनने वाला नहीं है। लीजिए हमारे साथ में ये और भी ग्रामवासी हैं। कहें आपके यहाँ सोलर लाइट आती है? नहीं, 2-4 बार तो आई है, उसके बाद में तो कोई मतलब किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ मतलब जिसके पास आते हैं, यहाँ एक लड़का है विवेक कुमार, तो उन्होंने भी जो है मतलब टाल देते हैं कभी भी, अगर ये कहा कि उधर सही कर दे तो यानी कि। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ प्लांट के पीछे बता रहे हैं लोग, चक्की भी लगी है, इसमें लाइट चलती है। अच्छा, इसी लाइट से चक्की चलती है? तो अब आप बताइए, जब इस प्लांट से चक्कियाँ चलेंगी तो आप लोगों को सप्लाई कैसे मिलेगी? ये हाल है कुदरकोट का। मैं शासन से अनुरोध, देखिए आपको चक्की भी दिखलाते हैं, जो कि यहीं पे बराबर में चक्की लगी हुई है, लोग बता रहे हैं ये चक्की ये लगी है, ये आप देख सकते हैं मोटर है, जाके बगल चक्की लगी है। देखिए ये मोटर ऐसे काम चलते हैं, ये चक्की लगी हुई है और ये मोटर लगा है।
ये आप देख सकते हैं, ये मोटर चलता है तो वायरिंग उद्घाटन वायरिंग, ये देखिए ये यहाँ से छेद किया गया है, देखिए आप देख सकते हैं ये केबल है इसकी, ये केबल है आप देख सकते हैं, ये यहाँ से डाली जाती है अंदर और इसी से ये चक्की चलाई जाती है। इतना घिनौना काम हो रहा है यहाँ पर कुदरकोट के अंदर, क्या यहाँ पर किसी की नज़र नहीं पड़ती है? सबकी नज़र पड़ती है पर मौन है, सभी कुछ नहीं कह सकते हैं। क्या कारण है? यही कारण है कि लोग पैसे खाने में लगे हुए हैं, गरीब जनता की किसी को परवाह नहीं है। और इस कुदरकोट में आपको बता दें, राजकुमारी रुक्मणी जी ने जन्म लिया था यहाँ पर, उनका मंदिर भी बना हुआ है, ऐतिहासिक गांव है ये। और इस गांव की भोली जनता, इस जनता को छला जा रहा है, छलने का काम किया जा रहा है। आए हमारे साथ में और भी खड़े हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, आप हैं। गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या है, बोलना पड़ेगा। क्यों नहीं बोल रहे आप? सरकार आपकी, आपकी सरकार है, ये गलत काम क्यों हो रहा है यहाँ पे? पब्लिक की गलती है, ये पब्लिक की गलती है। पब्लिक शिकायत क्यों नहीं कर रही है? ये शिकायत कर रही है, सभी ग्रामवासी शिकायत कर रहे हैं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, मीडिया के आगे सभी बोल रहे हैं, लेकिन 10-20 लोग जाके डीएम साहब से कहें संज्ञान में डालें, तब आपकी सुनवाई होगी। तो आप कार्यकर्ता हैं, ये आप लोगों का काम है, ये जनता की जो है बात सुनने का। आप सुने, आप किस लिए कार्यकर्ता बने हैं? हम लोग उतना ही कर सकते हैं, अभी नहीं कोई विधायक है, सांसद है, ना कोई जनप्रतिनिधि, तो हम लोग अपने उसी हिसाब से रहते। तो शिकायत तो करो कम से कम भाई मेरे। लेकिन शिकायत एक सुर में की जाए तो ज्यादा मजा आएगा। तो सभी एक सुर में बोल रहे हैं, ये इनसे कोई कहा थोड़ी जा रहा है कि तुम बोलो, इनसे पूछा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, माइक देख रहे हैं। फास्ट न्यूज इंडिया से पत्रकार संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरकोट। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ भवन में की गई संगोष्ठी। जी हां, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ भवन में राष्ट्र निर्माण में संविधान एवं छात्रों की भूमिका विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि प्रेम शंकर पांडे अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी, विशिष्ट अतिथि मोहन बनारस बार एसोसिएशन, मुख्य वक्ता शैलेंद्र सिंह बबलू, महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन उपस्थित हैं। कार्यक्रम का संयोजन वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष संदीप कुमार यादव ने किया। वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिनव वर्मा की रिपोर्ट। मैं संदीप कुमार यादव, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। जो आज हम लोग संगोष्ठी रखे हैं, ये राष्ट्र के निर्माण में संविधान और छात्रों की भूमिका है ये विषय है। और हमारे बीच मुख्य अतिथि जो हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम शंकर पांडे जी हैं, बनारस बार के अध्यक्ष मोहन यादव जी हैं, सेंट्रल बार के महामंत्री सुरेंद्र सिंह बबलू जी हैं, और यहाँ पे हम सभी लोग तमाम छात्र उपस्थित हुए हैं। और राष्ट्र के निर्माण में संविधान की क्या भूमिका है, छात्रों की क्या भूमिका है, इस विषय पे बहुत ही गहनता के साथ चर्चा की जा रही है। और ये संदेश देने दिया जा रहा है यहाँ से कि संविधान के साथ छेड़छाड़ ना हो, और इसमें छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। छात्रों को लेकर के छात्रों को दबाया ना जाए, उनकी आवाज़ को हमेशा ही उठाया जाए, उनकी बातों को सुना जाए, इस विषय को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। संदीप जी, विगत कुछ वर्षों में देखा गया है कि संविधान को लेकर के कई आंदोलन किए गए कई संगठनों के द्वारा, क्या लगता है आपको कि बदलाव होना चाहिए या नहीं? सुन नहीं पाया गया, एक बार फिर से। संविधान में संशोधन के लिए कई छात्र संगठनों ने या कई संगठनों ने कई आंदोलन किए विगत वर्षों में, क्या आपको लगता है? ये संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। संविधान जब बना है तो सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। और मेरा मानना है, क्या सभी युवाओं का मानना है जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि संविधान के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप छात्र संघ अध्यक्ष हैं, और विगत दिन JNU में जो घटना देखने को मिली है, छात्रों के ऊपर जो मारपीट की घटना हुई है, इस पे क्या आपका कहना है? देखिए, JNU में जो हुआ वो बहुत ही बुरी स्थिति है उसकी, और JNU ही नहीं, आप जामिया में देख लीजिए, और हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पुलिस PSC जो घुस के हॉस्टल के कमरे में, प्रत्येक छात्र के कमरे में जाके मारती है जो छात्र पढ़ता है। तो हमें अपना अधिकार, हमें अपनी बातें कहने का हक नहीं है, ये प्रशासन तानाशाह है, हमारी बातों को दबा देता है। और इस प्रकार से जो JNU में हुआ, वहाँ रात में छात्र संघ अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ, तमाम छात्र जो हॉस्टल में थे, अध्यापक थे, उनके ऊपर हमला हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, छात्रों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है।
हरियाणा के अंबाला में 7 साल पहले हुए निर्भया हत्याकांड में आज दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों आरोपियों को डेथ वारंट जारी कर दिया है। 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी दे दी जाएगी और 7 साल बाद मिला एक मां को इंसाफ। इस पर अपनी राय देते हुए मार्केट कमेटी प्रधान विकास बत्रा। हां जी सर, अपना नाम बताना। मैं विकास बत्रा। सर, जैसा कि आज 7 साल बाद निर्भया के हत्यारों को आज फांसी की सजा सुनाई, आपके बारे में क्या कहना? निर्भया कांड को चाहे 7 साल लग गए हैं, पर फैसला जो आज सुनाया गया है इससे लोगों में कोर्ट के अंदर, कानून के अंदर विश्वास बना। चारों दोषियों को डेथ वारंट इशू कर दिया गया है और 22 जनवरी सुबह 7 बजे इन चारों दोषियों को फांसी की पे लटकाया जाएगा। इससे निर्भया कांड के अंदर उसकी जो माता जी हैं उनको बहुत ही संतुष्टि मिली है और लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा है कानून के अंदर। तो आने वाले युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा संदेश यह है कि गलत करने वालों का नतीजा यही रहेगा और आगे गलत करने वालों की सजा इसी तरीके की रहेगी। तो जैसा कि हमारी सरकार ने एक कानून लागू किया है कि ऐसा काम करने वाले तुरंत सजाए मौत है, आपका क्या ख्याल है? देखो, गलत करने वालों के लिए सजा मौत तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिस हिसाब से उसने कोई गलत काम किया है, पर जो सजाए मौत के लिए भागीदारी उसी को बनाना चाहिए जो गलत काम वो करेंगे, उसको उसके मुताबिक ही सजा मिलनी चाहिए। थैंक यू। प्रयागराज यूपी पुलिस 2018 की भर्ती परीक्षा में बायोमेट्रिक्स जांच में पकड़े गए 15 मुन्ना भाई। जी हां, प्रयागराज 7 जनवरी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2018 में परीक्षा पास करके शारीरिक परीक्षा देने पहुंचे 15 मुन्ना भाई बायोमेट्रिक जांच के दौरान मंगलवार को गिरफ्तार किए गए। सभी के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक अपराध आशुतोष मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए अभ्यर्थियों के स्थान पर दूसरे लोगों ने लिखित परीक्षा दी थी जिससे वह परीक्षा पास करके फिजिकल देने के लिए मंगलवार सुबह पुलिस लाइन परिसर में आए हुए थे। पकड़े गए आरोपियों में 8 मुन्ना भाई प्रयागराज के निवासी हैं। पकड़े गए आरोपी अर्जुन सरोज, सचिन कुमार सरोज, आशीष ज्ञान चंद्र सरोज, सुजीत कुमार, संतोष कुमार, संतोष कुमार, राकेश कुमार, अमित कुमार, मनोज कुमार भारतिया, सुनील कुमार, मानिक चंद्र, रमेश कुमार धर्मराज। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र अलग अलग स्थानों पर था। लिखित परीक्षा के दौरान उनके स्थान पर दूसरे लोगों ने बैठकर परीक्षा दी और पास हो गए, लेकिन शारीरिक परीक्षा के दौरान आंख एवं फिंगरप्रिंट्स मिलान तथा फोटोग्राफ्स के माध्यम से पकड़े गए। पैसे एवं संबंध में हुआ खेल। पकड़े आरोपियों ने बताया कि कोई 50 तो कोई 1 लाख और किसी अभ्यर्थी का रिश्तेदार उनके स्थान पर बैठ कर लिखित परीक्षा दिया था जिससे पास हो गए, लेकिन शारीरिक परीक्षा के दौरान पकड़े गए। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। ये आरक्षी भर्ती के लिए 2018 की वैकेंसी थी, जनवरी में इनका एग्ज़ाम हुआ था और प्रयागराज जनपद में जो जोनल स्तर पे 8070 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन होना था, सब हो गया था। 734 लोग शेष थे जो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, उनका कल वेरिफिकेशन किया जा रहा था जिसमें 32 लोग, 734 में 32 अपीयर हुए थे, 16 लोग पास हो गए थे, एक फेल हो गया था हाइट कम होने के चलते, और 15 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने अपने जो परीक्षा के दौरान फ़ोटो लगाए थे और जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने लगाए और उनका जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं उसमें, और अब जब ये दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए तो उसमें डिफरेंस पाए जाने पर जब जाँच हुई कि जो फॉर्म भरे थे और जो उसके बाद परीक्षा के दौरान जब उनका फिंगरप्रिंट और अन्य जो कार्रवाई की गई पुलिस की जो अपनी चेकिंग की तरीके हैं तो उसमें इन लोगों में अंतर पाए जाने पर इनकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि इन्होंने जो अपनी लिखित परीक्षा थी उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा रखा था और उसमें पैसे की भी लेन देन की बातें हैं जिसके बारे में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराई जा रही है और इसमें 15 लड़के पकड़े गए हैं, इनका अन्य जो साक्ष्य है उसका संकलन किया जा रहा है। इसमें जोन के सभी जनपदों के लड़के हैं अलग अलग
और इनके सेंटर भी अलग अलग जगहों पे थे, ये अलग अलग जगहों पे इन्होंने इस तरह के काम किए थे, उस पर विवेचना कराई जाए। अब पैसे लेन देन के बारे में अलग अलग इन्होंने बताया है कि जिसने जो भी जिसका जैसे भी व्यवस्था बनी उन्होंने अपना पैसा दिया। बिल्कुल, तो विवेचना का विषय है, विवेचना में जो लोग इसमें आएंगे सब जाएंगे। इधर जेएनयू हिंसा की आग, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला फूंकने के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की। जी हां, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ हुई हिंसा की आग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी महसूस की जाने लगी है। घटना के विरोध में समाजवादी छात्र सभा से संबद्ध छात्रों ने लगातार दूसरे दिन यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया। इस दौरान नाराज छात्रों ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पुतला फूंकने की भी कोशिश की, लेकिन छावनी में तब्दील इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तैनात सुरक्षा बल ने न सिर्फ पुतले छीन लिए बल्कि इस दौरान जमकर धक्का मुक्की भी की। नाराज छात्रों ने जहां इसी बीच जेएनयू की घटना की निंदा की, वहीं आरोप लगाया कि सरकार पुलिस के बल पर छात्रों की आवाज दबाना चाहती है। छात्र जेएनयू में हुई घटना से काफी आहत दिखे। छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार के मन में कोई खोट नहीं तो पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच सरकार क्यों नहीं चाहती। जेएनयू की घटना से सरकार का फांसीवादी चरित्र उजागर हो रहा है और केंद्र में बैठी सरकार जनतंत्र में विश्वास रखता ही नहीं, और यही कारण है कि उसके खिलाफ किसी भी आवाज को हर हाल में दबा दिया जाता है। तो इस दौरान छात्रों ने चेतावनी दी कि छात्रों को न्याय नहीं मिलता तो लड़ाई अब सड़कों पर होगी। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। न्यू में हुआ छात्रों पर बर्बर हमला, हजार से ऊपर जो हथियारधारी नकाबपोश लोगों ने छात्रों के ऊपर बर्बरता की, छात्रों के ऊपर हथियारों से हमला किया, उसके खिलाफ उसके विरुद्ध सभी एनएसयूआई के छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के आम छात्र एकत्रित हुए और सरकार से ये सवाल पूछा, सरकार से ये मांग की कि आप जो यहाँ पे घटना हुई जेएनयू में जो हमला हुआ उसके दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, दोषियों का केस कब होंगे। इसलिए सभी छात्र एकत्रित हुए और मार्च निकाला और वहाँ के छात्रों के जो घायल हैं, सत्यम कुशवाहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ये थे अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया।